अलवर जिले के भिवाड़ी में कोविड-19 महामारी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पिछले 15 दिनों में 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी बाहरी हैं, जो कि अधिकतर गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद से लौटे हैं। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों के मन में भय भी नजर आ रहा है कि कहीं भिवाड़ी हॉटस्पॉट ना बन जाए। तिजारा SDM के माराम ने इस पर बताया कि मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के मामले में पिछले 15 दिनों में लगभग 5 से 7 लाख रुपए के चालान काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है और छूट दी जा रही है, वैसे वैसे लोग अन्य राज्यों से भिवाड़ी में दाखिल हो रहे हैं, जिसके चलते कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए अब तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि भिवाड़ी थोड़ा सा वल्नरेबल इसलिए है कि दिल्ली और गुड़गांव से यहाँ लोगों का आवागमन होता है। इसी अनुसार हमने तैयारी कर रखी है। हमने 80%, 15%, 5% इस प्रकार से डिसाइड कर रखा है। जो 5% क्रिटिकल केस है उसके लिए ESIC है, और अगर फिर भी अगर संख्या बढ़ती है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलवर है। तो इसके रिगार्डिंग हमारी तैयारी पूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि 21 जून से 30 जून तक जो राज्य सरकार मास अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, उस कैंपेन को भलीभांति लोगों में जागरूकता को लेकर जो जितने भी इश्यूज है वो हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बार बार सैनिटाइज करना, ये सब जो इश्यूज़ है ये सब IEC के माध्यम से हम कोशिश करेंगे 21 से 30 जून तक लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो।